हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। 17 तक कंप्लीट है। 18 क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज डबल द अदर, यानी उसने कोई भी साइड नहीं दी आपको ट्रेपीजियम की, सिर्फ ये कहा है कि अगर एक साइड आपके पास में एक्स है तो सेकेंड साइड ट्रेपीजियम की डबल होगी। कि द वन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज डबल द अदर। कि ट्रेपीजियम हम बनाते हैं, अगर एक साइड आपकी 10 है तो सेकेंड साइड 20 होगी, जस्ट डबल। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बी, एक साइड हमारे पास एक्स है तो सेकेंड साइड को हमने क्या पुट कर दिया, जस्ट डबल एंड 2x। लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों साइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसने कहा ही नहीं है किसी भी साइड के लिए आपसे। ओके, तो अगर एक साइड आपके पास में एक्स है तो सेकेंड साइड क्या हो गई, 2x, जस्ट डबल। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 1/3 ऑफ द स्मॉलर पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम आपके पास इस टाइप का ही होता है, मोस्टली ये शेप हो सकती है या ये शेप हो सकती है, ट्रेपीजियम की कोई भी शेप हो सकती है। ओके, अगर दोनों साइड आपके पास पैरेलल हैं, ये एक्स है ये 2x है, तो यही डिस्टेंस होती है, यानी जिसको हम हाइट मेज़र करते हैं। तो अगर पैरेलल साइड के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो उसने कहा है 1/3 होगी, किसके, स्मॉलर पैरेलल साइड के। तो इसमें स्मॉलर साइड क्या है आपके पास, एक्स, तो उसकी क्या हो जाएगी, 1/3 यानी एक्स अपॉन 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइट या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज एक्स अपॉन 3। 1/3 ऑफ द स्मॉल पैरेलल साइड, 1/3, ये भी लिख सकते हैं 1/3, एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का लिखने का तरीका सेम ही है। इसको हम किससे पुट करेंगे, एच से, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में एच डिनोट करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स को। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, अब आपको पैरेलल साइड्स की जो है लेंथ वो फाइंड करनी है जो हमने एक्स और 2x पुट की हुई है। ओके, और एरिया आपको गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आपके पास एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट किसके इक्वल होगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के। एरिया है तो उसका फॉर्मूला भी आपको सेम वैल्यू के इक्वल होगा। अब इसमें क्या क्या आपको गिवन है वो देखते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का मीनिंग एक्स प्लस 2x, क्योंकि यही हमने इमेजिन किया है तो हम यही वैल्यू लिखेंगे, एक्स प्लस 2x। हाइट क्या है आपके पास, एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। x और 2x को प्लस करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं, x और 2x को ऐड किया है इसलिए आप 2 से 2 को कैंसिल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। कि ये अगर आप कैंसिल करेंगे तो पूरा मेथड चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 2 है और इस x के साथ में कोई वैल्यू होती है जो हम कैंसिल कर सकते तो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 2 से इसमें 1/2 से हाइट में मल्टीप्लाई हो रहा है। कि मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। कि x प्लस 2x 1/2 हो गया, यहाँ पर हो गया आपके पास 3x इंटू एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये प्लस था, इसलिए x की पावर कभी भी प्लस नहीं होगी. ओके अब देखिए, सबके थ्री टर्म्स हैं, 1, 2, 3, सबके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं इजीली. हमने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया. अब x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो x इंटू x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर. ओके मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ. ओके यहाँ पर x इंटू x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्रॉस कर सकते हैं, 2 से हम क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से पावर को नहीं कैंसिल करना. कुछ स्टूडेंट कर देते हैं, नो कि ये एक नंबर है और ये एक्सपोनेंट है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 इंटू 2, यूनिट वही रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 16, 1 2 8 9 18 और 196. अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, तो हम अगर इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपके इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, सेंटीमीटर के भी कर देते हैं. ये लीजिए, सबके हमने फैक्टर कर दिए. ओके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर देखेंगे, पेयर सबका पेयर है आपके पास, 2 का भी, 7 का भी और सेंटीमीटर का भी. तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 14 सेंटीमीटर. किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू. यानी यहाँ जो उसने फाइंड करने के लिए कहा था उसमें हमें एक वैल्यू मिल गई, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम. पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम में एक वैल्यू जो हमने इमेजिन करी थी एक्स, वो मिल गई. एक्स इज इक्वल टू 14x, 14 सेंटीमीटर. देन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. यानी लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर 14 एंड 28 सेंटीमीटर. यानी 14 को भी यूनिट के साथ ही लिखते हैं. ये आपका हो गया आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 19. द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर 7 मोर एंड 7 लेस देन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. कि क्या है इसका मीनिंग, कि आपको जो भी साइड दी हुई है ट्रेपीजियम की, वो ट्रेपीजियम की जो डिस्टेंस होती है पैरेलल साइड की, उससे एक साइड 7 सेंटीमीटर कम है और एक साइड 7 मीटर, मीटर में है तो मीटर में बात करते हैं, 7 मीटर कम है और एक साइड 7 मीटर ज़्यादा है, और डिस्टेंस भी गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को पुट करते हैं. जैसे मैं आपको एक फिगर से समझाती हूँ, यहाँ पर ये एक ट्रेपीजियम है. ओके ट्रेपीजियम हमने बनाया तो उसने ये कहा है, यहाँ तक पढ़ते हैं पहले. द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम आर 7 मोर एंड 7 लेस देन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर आपके पास दोनों पैरेलल साइड के बिटवीन जो ये डिस्टेंस है, ये आपको गिवन है एक्स, तो एक साइड तो आपके पास इससे 7 मीटर ज़्यादा होगी और एक साइड इसकी डिस्टेंस से 7 मीटर कम होगी. ये हमारा कैलकुलेशन इस तरीके से होगा. फाइंड देयर लेंथ, आपको लेंथ भी फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड करनी है. इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 169 मीटर स्क्वायर गिवन है. तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स
पैरेलल साइड्स बी एक्स, सॉरी बी एक्स. लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या हमने पुट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एक साइड 7 ज़्यादा है और एक साइड 7 कम है. क्या हो गई आपके पास 7 प्लस एक्स एंड 7 माइनस, वो सॉरी एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7. एरिया आपको गिवन है, इसमें एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ इसको, ओके आप फुल लिख लीजिएगा, 169 मीटर स्क्वायर. जो एरिया की यूनिट होगी वही लेंथ आपकी पैरेलल साइड की होगी और डिस्टेंस भी आपकी सेम यूनिट में ही कैलकुलेट होगी. ओके फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर. 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है आपके पास में, एक्स प्लस 7 है और सेकंड पैरेलल साइड है आपके पास एक्स माइनस 7. की डिस्टेंस क्या है हमारे पास में एक्स, और ये हो गया 169 मीटर स्क्वायर. एक्स और एक्स प्लस हो जाएगा, एक 7 प्लस का है एक 7 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, एक्स प्लस एक्स 2x मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर. 1/2 का जब हम सम ऑफ पैरेलल साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ साइन नहीं लगाते, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो लिख सकते हैं. ओके क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो इट मींस मल्टीप्लाई का साइन है, ये यूज़ किया 2 से. अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2x एक पूरा नंबर है, यानी 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर भी इंटू का साइन है इसलिए हमने 2 से 2 को कैंसिल किया. एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर. तो जब आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 मीटर स्क्वायर. 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13, तो हम लिख सकते हैं 30 मीटर. फर्स्ट आंसर आपको कैलकुलेट हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना हो गया, 30 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पूरा आंसर आप बता सकते हैं लिख करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा. पैरेलल साइड इक्वल टू 13 मीटर. सेकेंड लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 7, यानी यहाँ पर हम एक्स प्लस 7 करेंगे और एक साइड हम एक्स माइनस 7 करेंगे. लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या क्या थे आपके पास, एक्स माइनस 7 इट मीन्स 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 मीटर. सेकेंड थे हमारे पास x प्लस 7 इक्वल टू 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20 मीटर. तो डिस्टेंस क्या कैलकुलेट हुई हमारी, 13, और आपकी पैरेलल साइड क्या कैलकुलेट हुई, 6 × 6 and 20. तो ये हमारी जो फाइंड करने के लिए वैल्यू दी थी वो हमने सारी कैलकुलेट कर दी. अब आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं. ओके लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, 20 क्वेश्चन, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है ये क्वेश्चन, तो इसको हम फिगर से समझेंगे, क्वेश्चन को पूरा फिगर से एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा सा आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. क्वेश्चन इज एन आइसोसेलस ट्रेपीजियम, अभी तक आपने सिर्फ ट्रेपीजियम पढ़ा था, अब आपके पास एक नया वर्ड आ गया आइसोसेलस ट्रेपीजियम. कि आइसोसेलस ट्रेपीजियम इज सच दैट द पैरेलल साइड्स ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 48
सेंटीमीटर, यानी ट्रेपीजियम की जो लेंथ है पैरेलल साइड्स की वो आपको गिवन है। इसमें एक और नया पॉइंट है आपके लिए, वेयर एज द नॉन पैरेलल साइड जब हम ट्रेपीजियम बनाते हैं तो जो डिस्टेंस होती है ट्रेपीजियम के बीच में वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, वो हमेशा नॉन पैरेलल ही होती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। तो ट्रेपीजियम, आइसोसेलस ट्रेपीजियम को हम इसी तरीके से बनाएंगे और कोई भी पैटर्न नहीं है इसका। ये कि ये हो गया आपका आइसोसेलस ट्रेपीजियम। कि अभी तक हम इस टाइप से भी बना लेते थे, आपके क्वेश्चन में ये भी पैटर्न था ट्रेपीजियम का कि ये 90 डिग्री का एंगल दिया है तब भी ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को हम हाइट मेज़र करते थे जो ये होती थी, ठीक है। लेकिन आइसोसेलस ट्रेपीजियम को हम इसी तरीके से बनाएंगे, ओके। मैं आपको इससे बताऊँगी तो और अच्छा समझ आएगा। सी डी नाम भी दे दिया हमने इसको, टू पैरेलल साइड। अब आपको इसमें क्लियर पता है कि पैरेलल साइड्स ये होते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कभी भी पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, ओके। नॉन पैरेलल साइड्स आपको गिवन है 37 37, और ये है 24 सेंटीमीटर, और सेकेंड है आपके पास में ये बड़ी वाली साइड 48 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड की दोनों की इक्वल है लेंथ 37 37 सेंटीमीटर, ओके। अभी जो हमें गिवन था वो हमने बना लिया, ओके। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया क्या लिखते हैं ट्रेपीजियम का, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो हाइट है यानी जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेशन में लेते थे, किसमें, एरिया कैलकुलेट करने में। लेकिन यहाँ तो आपको हाइट गिवन ही नहीं है तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, हाइट जब तक आपके पास नहीं होगी हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एरिया भी फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास ट्रेपीजियम की ये साइड है, यहाँ पॉइंट मैंने ए लिखा है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ओके। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे ये बिल्कुल इक्वल बनेंगे, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि आइसोसेलस ट्रेपीजियम है, ओके। अब ध्यान से समझना फिगर को तो आपको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक पूरा मेजरमेंट 48 सेंटीमीटर का था, ठीक है, पूरा बी से लेके सी तक पूरा मेजरमेंट 48 का था। जब हमने 24, ये दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन ये ड्रॉ की हमने ए से लेकर ई पॉइंट तक और बी से एफ, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही है, ओके, और इक्वल भी होंगी, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड की डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल होती है, तो ये बिल्कुल इक्वल होंगी। अब आपके पास में ये 24 है, जब यहाँ से यहाँ तक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप ये भी 24 होगी, करेक्ट। ये इसके पैरेलल थी, बस हमने बीच में से कट कर दी तो भी ये पैरेलल ही रहेंगे और इक्वल और हो गई आपकी, कितनी हो गई ये 24। अब आपके पास 48 में से जब आप 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 24 ही आएगा। 24 टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम है, तो दोनों ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल रहेंगे। ये 37 ये 37, तो डी से ई तक का जो मेजरमेंट होगा वो होगा 12, एफ से सी तक का मेजरमेंट होगा वो होगा 12। अब आप पूरा कैलकुलेट करिए, आपको 48 ही मिलेगा, ठीक है। तो 48 में से जब बीच में से हमने 24 को माइनस किया तो 24 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 12 और 12, तो ये हमारा हो गया फिगर से कैलकुलेशन। अब आपके पास में जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम है, तो ये दोनों शेप बिल्कुल इक्वल है, किसी भी एक ट्राइंगल का हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ये वाला ट्राइंगल यहाँ से यहाँ पर नोट कर दिया, ये 37 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो क्या हम ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से अगर हम एक साइड यानी बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा यानी हाइट मिल जाएगी,
करेक्ट, तो वो हम इसमें नोट करेंगे, तो आपके पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगी। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों का मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल ही है, ये भी 37 37 12 12। ओके, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 37 स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है, प्लस 12 स्क्वायर। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 37 स्क्वायर, 12 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, पी स्क्वायर। अब इतना सारा आपने 8th में कोर्स पढ़ा है, एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है कि हम इसका मल्टीप्लाई करें फिर इसमें से माइनस करें, तो हम फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स वन टाइम आप इसमें प्लस कर दीजिए और सेकेंड टाइम माइनस कर दीजिए, देखो कितना ईजी हो गया कैलकुलेशन। पी स्क्वायर, इसको आप प्लस करोगे 49, इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 25, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 1 4, कितना इजी हो गया पी स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं, 7 इंटू 7 5 इंटू 5। अब जब आप पी की वैल्यू निकालोगे तो इसमें रूट भी लगा सकते हैं, पेयर निकाल दीजिए बाहर आप, तो ये हो गया आपके पास में 7 इंटू 5 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 35 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में था, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमने कैलकुलेट कर दिया कितना इजीली, 35 सेंटीमीटर। अगर आप 37 का मल्टीप्लाई करते, 37 इंटू 37, फिर 144 करते, फिर माइनस करते, सेम ही वैल्यू आती, कोई इशू नहीं था, बस यहाँ पर हमने एक फॉर्मूले का यूज़ करके टाइम सेव कर लिया। ओके, क्योंकि ये स्पीड से कैलकुलेशन हो गई, बहुत छोटी थी, हमारी डिस्टेंस फाइंड हो गई। अब हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हम ये भी लिख सकते हैं, लॉक नहीं करते। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 24 प्लस 48, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं, इनटू हाइट, हाइट कितनी कैलकुलेट की है हमने, परपेंडिकुलर मींस हाइट ही है ये आपकी, 35 प्लस करते हैं 1/2 सब सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई 8 और 4 12 और यहाँ हो गया 7, 4 और 2 6 प्लस 1 7, 35, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो करके देखना पड़ेगा, 36 इंटू 35, 5 6 जा 30, 180, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 0 6 2 1, 1 2 6 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन हो गई, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इजीली नोट कर सकते हैं और फिगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये छोटा सा पार्ट भी बना लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप फिगर से समझा सकते हैं किसी को, आप लिख करके नहीं क्लियर कर पाएंगे और बाद में आप भी भूल जाएंगे ये कैसे आया। तो फिगर अगर आपके सामने होगा तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन पूरा। ओके, आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में समझ आ गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।